नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड इन दिस जर्नी. हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया. आज हमने जाना एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में. एटम जो होता है एक एलिमेंट, सबसे पहला जो पार्टिकल था जो सबसे पहली जर्नी में हमें मिला उसे हमने एटम बोला. एटम जो होता है वो तीन पार्ट में, बाद में हमने जाना कि वो तीन पार्ट में और कैटेगराइज किया जा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो था कैथोड रिएक्शन में मिला, एनोड रिएक्शन में प्रोटोन मिला, और चैडविक ने हमें दिया न्यूट्रॉन. और इन सबको मिला करके हमने अपनी बेसिक जो थ्योरीज थी वो कंप्लीट की. इसके बाद हमें एक और पार्टिकल मिला, दैट ऑफ फोटोन. फोटोन जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पार्टिकल था. और आगे चल करके तकरीबन इन 1929 डायरेक्ट इक्वेशन एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी फॉर इलेक्ट्रॉन हमें ये सजेस्ट किया, बिसाइड द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने ये जाना कि देयर इज एन एंटी पार्टिकल ऑल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. और पॉजिट्रॉन जो होता है सिंपल मैन में कहें तो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का. पॉजिट्रॉन इज गोइंग टू एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके बाद ये हमने केवल कहा था लेकिन 1933 डायरेक्ट जो थे उन्होंने प्रूव भी किया कि एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल रहता है, पॉजिट्रॉन पार्टिकल. एंड हमने ये भी देखा जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो होते हैं जब आपस में मीट होते हैं तो ये एनिहिलेटेड हो जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं. और साथ साथ में पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस विद लॉट ऑफ एनर्जी. इस कंडीशन में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इस तरीके से डुलिज्म इन डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन की मदद से डुलिज्म जो मिला हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी के अंदर, ये हमने फंडामेंटल थ्योरी बना दी या यूनिवर्सल थ्योरी बना दी. इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल थ्योरी फॉर ऑल द पार्टिकल. नाउ डुलिज्म नेचर के अकॉर्डिंग हमने ये कहा कि हर एक पार्टिकल के पास अपना एक एंटी पार्टिकल होता है. एवरी पार्टिकल हैज देयर एंटी पार्टिकल. जितने पार्टिकल होंगे उन सबके पास अपना एक एंटी पार्टिकल होगा. और एंटी पार्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं उनका मास सेम होता है और चार्ज अपोजिट होता है. एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हैव सेम मास एंड अपोजिट चार्ज. मास सेम होगा, चार्ज अपोजिट होगा. एंटी पार्टिकल को हम नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार. जैसे प्रोटॉन ये है तो उसका एंटी पार्टिकल प्रोटॉन का ये बनेगा. इसके बाद हमने जाना कुछ पार्टिकल को हम बार के बिना भी दिखा सकते हैं, साइंस से भी दिखा सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन है तो एंटी जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है उसे ऐसे दिखाया जा सकता है, न्यू है न्यू नेगेटिव ऐसे दिखा सकते हैं एंटी पार्टिकल को. कुछ पार्टिकल हमारे पास ऐसे थे जिनके जिनका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो तकरीबन सेम ही था. जैसे फोटोन, फोटोन का एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो सेम था. जैसे जब प्रोड्यूस कब होता है, जब एक प्रोटोन और एंटी प्रोटोन आपस में मिलते हैं तो फोटोन बनता है, जब एक न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन मिलता है तो एक फोटोन बनता है. एक्सपेरिमेंटली हमने ये जाना कि जब हम न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस नंबर जो होता है उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस में से नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें कंजर्वेशन देखने को मिलता है. दो प्रोटॉन हमने लिए और दो प्रोटॉन यहाँ भी किए, एक प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन किया तो भी हमें वैल्यू सेम ही मिली. हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो ब्रॉन नंबर दिया है, ब्रॉन जो होते हैं एंड स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग फर्मियंस होते हैं, ब्रॉन्स आर द स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग फर्मियंस. एंड यहाँ पर जब इसे और इसे हमने ऐड किया कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास पी एंड पी ये दो बचे. ब्रॉन नंबर हमने जो अजाइन कर रखा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस वन है और उसके एंटी पार्टिकल को माइनस का वन है. और ब्रॉन कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो ब्रॉन कंजर्वेशन ब्रॉन नंबर होता है हर केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहता है, मतलब हर रिएक्शन में कंजर्व रहता है, हर कंडीशन में कंजर्व रहेगा. और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ब्रॉन नंबर इस प्रकार से हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिग्मा कास्केड ये सब जो हमारे ब्रॉन नंबर हैं. सो इसके आगे अब हम समझेंगे न्यूट्रॉन आइसोस्पिन के बारे में.